नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की सब्जी। तो मैंने यहाँ पे तेज पत्ता और पचफोरन से और प्याज से छौंक लगा लिया है। प्याज मेरा भुन चुका है। अब इसमें हम ये मसाला पीस के रखे हैं। इसमें एक प्याज, एक टमाटर और दालचीनी है और एक इलायची है। अब इस मसाले को हम इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं, अब इसको हम इस तरह से भूनेंगे। ये जब थोड़ा भून जाएगा उसके बाद इसमें हम हल्दी नमक डालेंगे। उसके बाद ये लहसुन हम बॉयल करके रख लिए हैं पहले ही। इसे हम पानी से बॉयल कर लिए। ये सॉफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं, ये एकदम सॉफ्ट हो चुका है पानी से बॉयल करने के बाद। पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं, फिर उसमें लहसुन को डाल के पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे। ये हमने सब्जी मसाला घर में पीस के रखा है, धनिया, जीरा, गोलकी और मिर्चा। और इसमें हम अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा मसाला पकने के बाद हम इसमें लहसुन भी डाल के भूनेंगे। 2 मिनट को मसाला पकाना है। 2 मिनट तक ये मसाला हमारा पक गया है। अब हम इसमें लहसुन को ऐड कर देंगे और 2 मिनट तक इसको अच्छे से मसाले में भून देंगे। देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम हल्का सा पानी डाल के ढक देंगे ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो लहसुन में अच्छे से अंदर तक चला जाए। अब हम इसको ढक देंगे पकने के लिए। ये हमारा मसालेदार लहसुन की सब्जी बनके तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप लोग कितना ये मसालेदार मस्त दिख रहा है और खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है। ये देखिए, आप लोग भी अपने घर में इस तरह से लहसुन की सब्जी बनाइए और टेस्ट करके बताइए कमेंट में कैसा लगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।